इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके भी मोबाइल फोन के अंदर आपका ईयरफोन यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है और वो आपका जो ईयरफोन है वो आपका बाहर भी नहीं आता है और बहुत बार आपने प्रयास कर लिया है, आप ईयरफोन लगाते हैं फिर भी अपना ईयरफोन निकालते हैं फिर भी आपका यहाँ पे ईयरफोन कनेक्ट ही रहता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे? आपका कोई भी साउंड आवाज आपको बाहर सुनाई नहीं देता है, आप कुछ भी प्ले करते हैं तो वो भी आपको सुनाई नहीं देता है, फिर भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ भी यूज करना चाहते हैं, आप कुछ भी चलाना चाहते हैं और अपनी आवाज को आप सुनना चाहते हैं, स्पीकर पे लाना चाहते हैं, तो कैसे आप लाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे जुगाड़ बताऊंगा जहां से आपका जो इस यहां पे देखने को मिलेगा ईयरफोन वो आपका डिसेबल हो जाएगा और आपका जो आवाज होगा वो आपका स्पीकर पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जुगाड़ ये है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको ईयरफोन लेना है और कम से कम 20 या यहां पे आपको बहुत बार अपना प्रयास करना है, हो सकता है कि आपका ईयरफोन यहां से डिसकनेक्ट हो जाए और आपका ईयरफोन हट जाए। अगर आपका ईयरफोन हटता नहीं है तो फिर आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर ओपन करना है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आप उसे डिसेबल कर सकते हैं और आपका स्पीकर पे आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहां पे आपको सर्च करना है डिसेबल हेडफोन एप्लीकेशन। तो जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने डिसेबल एप्लीकेशन बहुत सारे आ जाएंगे हेडफोन को डिसेबल करने वाली, यानी कि आपका जो लीड यहां पे लग गया है उसे ये पूरी तरीके से डिसेबल कर देंगे और आपका जो आवाज होगा वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कैसे ये काम करता है, तो आपको इसे इस पे क्लिक करना है, कोई भी यहां पे आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद उसे आपको यहां से ओपन करना है। जैसे आप यहां पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहां पे आपके सामने इस तरह का पेज निकल के आएगा और यहां पे सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है सेट आउटपुट टू स्पीकर डिसेबल हेडफोन, यानी कि यहां पे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो हेडफोन होगा वो डिसेबल हो जाएगा और जो आपका साउंड होगा वो आपका स्पीकर पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहां पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है, जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका पूरी तरीके से एप्लीकेशन यहां पे काम करना स्टार्ट कर चुका है। जब आप ये एप्लीकेशन आपका काम करना स्टार्ट कर चुका है तो अब आपको करना क्या है, आपको रिसेंट बार ओपन करना है। रिसेंट बार ओपन करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को यहां से डिसेबल नहीं करना है, यानी कि आपको बैकग्राउंड से हटाना नहीं है, इस एप्लीकेशन को आपको यहां पे लॉक कर देना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जब आपके बैकग्राउंड में रन करेगी तभी आपके मोबाइल फोन के अंदर का जो आपका ईयरफोन होगा वो डिसेबल रहेगा, यानी कि ये एप्लीकेशन उसे डिसेबल करके रखेगा। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि इस एप्लीकेशन को आपको बैकग्राउंड से नहीं हटाना है, यहां पर आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो आपका ईयरफोन यहां पर कनेक्ट हो चुका है वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपके स्पीकर पे आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप इस जुगाड़ को आप यहां पे अप्लाई करके अपने मोबाइल फोन के अंदर ईयरफोन को डिसेबल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।